नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। मेरा भी बड़े जनक से स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आज वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, लाइव नहीं आ पाऊँगा। तो डिस्क्लेमर यह है कि मैं जो भी बात करता हूँ यहाँ पे, तेजी मंदी की बात करता हूँ या राय देता हूँ, कभी निकल जाए मुँह से कि यार तब तेजी आएगी मंदी आएगी, तो वो उसका उपयोग आप उस चीज़ का अपने विवेक से करें। मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तेजी मंदी के लिए। आप उसमें हानि नुकसान कुछ होता है, आप स्टॉक करते हैं वगैरह, तो ये सब चीज़ें ये आपको पता है और मेरे लिए भी आवश्यक है ऐसा बोलना, वो आप समझते होंगे। और मेरा काम इस चैनल पर सबसे ज़्यादा ये है कि मैं आपको सारे तथ्यों के बारे में जानकारी दूँ और मुख्य रूप से चाइना की जानकारी दूँ। ये मेरा मेन चैनल का टॉपिक भी है और मेरा मोटिव भी यही है। बाकी वहाँ के हिसाब से अपने निर्णय अपना ये जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, उस हिसाब से कैसे चल रहा है क्या है वो अपन देखते रहते हैं वैसे भी, और उसका निर्णय अपने को लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, वायदा की बात करते हैं। उससे पहले अपन हाजिर की बात कर लेते हैं। हाजिर 3 युआन से लेके 6.30 युआन तक है। जो ऊपर वाला जो भाव है वो तो हाई है, पहले ये शायद 6.25 तक गया था, 6.20 या कुछ ऐसे ही। तो ऊपर वाला अच्छे मालों में तो वहाँ पे बढ़िया डिमांड है, और नीचे वालों में भी अब भाव पुराना जो टॉप था वो इससे थोड़ा सा और 2-5-10 सेंट और है, 3 या 3.10 तक या 3.15 तक कुछ गया था ये नीचे में, तो वो थोड़ा सा दूर है उससे, हाई से। पिछले सीजन जो था अपने मान से अपना सीजन तो ख़त्म हो गया, पर उस समय में शायद ये जून जुलाई या कब था जब भी था, हाजिर बाजार जो टॉप था पिछले साल का 2023 का, ये उसके आसपास आ गया है वहाँ का हाजिर। और वायदा भी रोज़ तेज हो रहा है। पिछले वीडियो में पिछले दिन में मैंने शनिवार को शायद बताया था आपको, परसों, हाँ, उसमें भी तेज़ी थी, 5% नीचे खुला था फिर 5% तेज हो गया था। और आज की बात करें तो अप्रैल 2024 वाला जो वायदा है ये 8,950 पे ट्रेड कर रहा है। ये 9,100 तक भी गया था ऊपर में, 5% के आसपास टच करके वापस से आ गया नीचे, और अभी 3.5-4% के आसपास प्लस में है। ये 8,600 के आसपास बंद हुआ था। तो कुल मिलाकर अप्रैल वाले में तो तेज़ी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बताऊं मैं आपको, 1,21,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं इसमें। और अपन अगस्त 2008 वाले की बात करूँ, जो मैंने कुछ सोचा उस विषय में, यार अपन अप्रैल वाले की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की संख्या अगस्त वाले में ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। अभी जो खड़े कॉन्ट्रैक्ट सौदे हैं अगस्त वाले में करीब 2,51,000 सौदे खड़े हैं, तो उस सौदे का वेटेज ज़्यादा है। वेटेज समझ रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएशन उसका दबाव जो है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, तो उसमें कम ज़्यादा मूवमेंट बहुत सोच समझ के होगा, तो अपन उसको भी ट्रैक करेंगे। तो वो अभी 1.5-2% मंदा है, 7,740-75 के आसपास चल रहा है। वो भी 3% तक प्लस गया था पर वापस से नीचे आया है, तो 5% का फ्लक्चुएशन हुआ है और थोड़ा सा नीचे है। तो अपन इस बात से समझे कि थोड़ा सा उसका वेटेज ज़्यादा है, तो उसको भी अपन अब थोड़ा सा ट्रैक ज़्यादा करेंगे अप्रैल वाले के बजाय। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें 3-4% की तेज़ी है, पर उसमें थोड़ा मंदा है। कुल मिलाकर समान रह सकता है अपने यहाँ का बाज़ार तो आज का। और अपने यहाँ मैंने जैसे ही खबर ली है व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, तो आवके तो बहुत सब जगह फुल है, सब जगह गेट लगे हुए हैं, आवके लाइनें कतारें लगी हुई है। तो ये एक थोड़ी परिस्थिति अपने यहाँ अलग है, उसकी वजह भी है। वो कृषक बंधु जिनका माल निकल रहा है, जिनको आवश्यकता है, वो माल बेच रहे हैं, तो बेचेंगे भी सही, अपन किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। और जिसका जिसे आवश्यकता के अनुसार अपने विवेक से निर्णय ले, मेरा तो पहला ही फंडा रहता है अपने विवेक से निर्णय ले। अगर आपको लग रहा है आपको बेचना चाहिए तो बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर साल अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, बाद में अगर रोकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेच रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको तेजी मंदी खेलनी है यार, बाद में बाजार बढ़ सकते हैं तो रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं इसमें वीडियो में शुरुआत में मेरा थोड़ा सा एक मोटिव भी है आज वीडियो अपलोड करने की वजह, मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ हमेशा। मेरे बड़े भाई साहब भी हैं जो नीमच में रहते हैं, वो मेडिकल स्टोर केमिस्ट हैं, वो उनका मेडिकल स्टोर है सिविल हॉस्पिटल नीमच के सामने। तो मैं कल परसों वहाँ गया था, तो बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा मैं आपका उसमें थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ क्या, तो उन्होंने हाँ भरी, पहले मना कर रहे थे, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि मेरे सगे बड़े भाई साहब ही हैं और वो वहीं रहते हैं स्थायी रूप से, और मैंने भी करीब करीब 5-6 साल वहाँ
मेडिकल शॉप पे काम किया हुआ है, तो कुछ अनुभव मुझे भी है।